हेलो मिलेंगे, स्वागत है आपका फोरेक्स फॉर अनबॉक्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं रियलमी के एक स्मार्टफोन की, जो रियलमी X7 सीरीज का न्यू स्मार्टफोन है जो लॉन्च हो चुका है। तो उसकी बात करने से पहले आपको बता दूं कि चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट कर देना। तो बढ़ते हैं सीधे फ़ोन की तरफ। से फ़ोन ये तो बल्कि कल लॉन्च हो चुका है, अब चाहे तो इसका अनबॉक्सिंग देख सकता है। और जब आपको ये फ़ोन बाय करना है तो उससे पहले मैं आपको बता दूं इस फ़ोन के अंदर क्या 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 प्राइस रेंज है इस फ़ोन की और कब लॉन्च होगा। तो मैं आपको बढ़ते हम सीधे स्क्रीन की तरफ। तो स्क्रीन की बात करें, इसके अंदर आपको पंच होल कैमरा देखने मिलेगा जो होगा 6.43 इंच का स्क्रीन होगी। और इसके अंदर आपको सुपर एमोलेड पैनल देखने मिलेगा। इसके साथ में आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के बैक साइड की बात करें तो इसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा बैक साइड में। और इसकी फ्रेम और बैक साइड की बॉडी की बात करें तो वो फुल्ली प्लास्टिक होगी। और अब इसके स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो होगा मीडिया टेक का डायमंड सिटी 1200 जो होगा ऑक्टा कोर होगा ये प्रोसेसर का। तो स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये एंड्रॉयड 11 पे है रन करने वाला। और कस्टम यूआई जो रियलमी के 2.0 है वही होगा लेटेस्ट वाला। तो स्मार्टफोन की स्टोरेज की बात करते हैं, इसके अंदर आपको दो वेरिएंट देखने मिल जाएगी है जो 128 और 256GB स्टोरेज देखने मिल जाएगा। और रैम की बात करें इसके अंदर आपको 8GB और 12GB रैम देखने मिल जाएगा। शायद इसके अंदर इन लोगों ने मिस्टेक की है, बट 6GB रैम रखना चाहिए था इस प्राइस रेंज पर। और इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा स्लॉट कार्ड स्लॉट नहीं मिलता आपको। स्मार्टफोन की कैमरा की बात करते हैं तो इसके अंदर कैमरा आपको जो मेन कैमरा देखने मिलेगा 64MP का वाइड एंगल कैमरा देखने मिलेगा। और जो सेकंड कैमरा है 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा। और जो थर्ड कैमरा है माइक्रो कैमरा 2MP का। और इसके साथ में आपको ड्यूअल फ्लैश देखने मिलेगी। तो आप इसको वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हो अच्छे से तो इसके अंदर आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने मिलेगा जो होगा 4K में वीडियो रिकॉर्ड शूट कर सकोगे आप। और फ्रंट साइड के कैमरे की बात करें इसके अंदर आपको 16MP का वाइड एंगल कैमरा देखने मिलेगा फ्रंट साइड में। और पंच होल ये कैमरा पंच होल होगा लेफ्ट साइड में। और इस फ़ोन की सेंसर की बात करें तो ये आपको अंडर डिस्प्ले सेंसर फिंगरप्रिंट देखने मिलेगा। और इसके फाइनल इस फ़ोन की बैटरी की बात करें तो 4500mAh का बैटरी देखने मिल जाएगा, बट ये बैटरी कम लग रहा है मेरे हिसाब से। तो इसका एक बेनिफिट भी है जो 50W का फास्ट चार्जर दे रहा है इसके साथ में। फाइनली हम इसकी फ़ोन की प्राइस की बात करते हैं और कब लॉन्च होगा। तो इसकी प्राइस है 25,500 rupees और ऑफिशियली बताया गया है कि 4 जून को आपको फ्लिपकार्ट पर देखने मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।